राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं। Allow me to speak in parliament, then I will say what I think. इन दिनों अडानी और राहुल गांधी को लेकर जबरदस्त सियासी जंग छिड़ी हुई है, या यूं कहे कि देश की सियासत इन दिनों अडानी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण में पिछले 5 दिनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर और बाहर दोनों ओर ये शोर सुनाई दे रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगो, और विपक्ष कह रहा है जेपीसी कराओ जेपीसी कराओ। इस बात की चर्चा देश ही नहीं विदेश तक में हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी बात को सात समंदर पार लंदन में तो कह आए, लेकिन ये बात देश के तख्तोताज पर बैठी बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आई है। अब राहुल का रोल तो ऐसा है जैसे दिलवाले फिल्म में एक गाना आया था कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, शायद आपको भी याद होगा। ये बात इसलिए क्योंकि राहुल को संसद में बोलने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया है। नमस्ते, मैं हूं ऋषभ कांत, आप हैं मंच पर। राहुल गांधी एक हफ्ते के लिए यूके गए थे, लेकिन फिर उनका दौरा लंबा होता चला गया, जिसके बाद राहुल 16 दिन बाद भारत वापस आए। राहुल ने लंदन में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए। दरअसल लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम के संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था, भारत और उसके लोकतंत्र के स्केल को कई लोग नहीं समझते। अगर आपको मालूम चले कि यूरोप से लोकतंत्र अचानक खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे? आप हैरान रह जाएंगे, उस लोकतंत्र पर बड़ा हमला करार देंगे। अब सोचिए, यदि यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? वैसे मैं ये बता दूं, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। अभी यूरोप को लेकर सवाल किया गया था, मैं इसी बात से हैरान हूँ कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। स्वाभाविक ही है कि ऐसा होने के कई कारण हैं, जिसकी वजह ये है कि कारोबार और पैसा। इसलिए यह हैरानी की बात है कि लोकतंत्र के कथित रखवाले अमेरिका से आबादी में 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और इसकी रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप बेखबर हैं। भारत में विपक्ष इसे लेकर लड़ाई लड़ रहा है। यह अकेले भारत की जंग नहीं है, ये इससे बड़ी लड़ाई है। इसका संबंध ग्लोबल लोकतंत्र के विराट हिस्से से है। जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष ने एक अल्टरनेटिव मार्ग सुझाया है, जिसमें लोगों को साथ लाने की बात है। हम बाकी सभी विपक्षी दलों से भी लगातार बात कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हमें जल्द ही इसका दिलचस्प समाधान मिलेगा। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी उन पर निशाना साध रही है, और सियासी पारा भी गर्म हुआ है। एक ओर केंद्र की मोदी सरकार राहुल गांधी के माफी मांगने पर अड़ी हुई है, तो दूसरी ओर पूरा विपक्ष अडानी को लेकर संग्राम छेड़े हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है,
हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। राहुल गांधी ने भी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। सरकार और प्रधानमंत्री, जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। राहुल गांधी तो सीधे तौर पर अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर माफी मांगने को कह रही है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही एक भी बार पूरे दिन सही से इस हफ्ते नहीं चल पाई है। सोमवार तक सदन की स्थगित हुई कार्यवाही के बाद विपक्षी सांसदों ने धरना दिया, जिसमें सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसदों और विपक्षी दल मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते को लेकर आवाज उठाई। तेरह मार्च से शुरू हुए संसद सत्र के इस हफ्ते कोई काम नहीं हो पाया, हालांकि अभी समय बचा हुआ है, 6 अप्रैल तक संसद का सत्र चलने वाला है। देखा जाए तो अभी तक कोई भी सुलह के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी को आगे मौका बोलने का मिलता है या नहीं ये देखना होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं। कमेंट्स करके आप अपनी राय को जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।